वहीं विद्युत क्षेत्र में विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर THDC इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान में करीब 10,000 अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए कॉरपोरेट कार्यालय और ऋषिकेश में एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। बता दें इस समझौते ज्ञापन के अनुसार नवीकरण ऊर्जा पार्कों का कार्यान्वयन और माध्यम से RRCL के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में किया जाएगा। THDC के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जब THDC का जन्म हुआ था 34 साल पहले, हमने जब टिहरी परियोजना बनाने के लिए THDC बनाई थी, उसके बाद वो एक बहुत बड़ी परियोजना हमने बनाकर और उसको संचालित किया और आज उस चीज़ को संचालित करते हुए हमारे पास 16-17 साल हो गए हैं। उसके बाद हमने छोटी छोटी कई परियोजनाएँ बनाई, लेकिन अब ये 10,000 मेगावाट का जो हमने एक अपने लक्ष्य अपने साथ लिया है और राजस्थान सरकार को हमने इसमें अपना हिस्सेदार बनाया है, ये बहुत ही बहुत बड़ा अवसर है THDC की यात्रा में और एक हमारी ग्रोथ जर्नी है, इसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है। कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मैं यहाँ उपस्थित हूँ और THDC के साथ हमने जो UMREPP योजना के तहत 10,000 मेगावाट का ये MOU साइन किया है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। देश में इतनी बड़ी सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी का MOU ये पहला MOU है। राजस्थान को प्राकृतिक रूप से बहुत सारे लाभ हैं, वहाँ सौर ऊर्जा का जो औसत इंस्टॉलेशन है जो राज्य में पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, 5.72 यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। उस हिसाब से THDC के लिए भी लाभ का सौदा, हमारे लिए भी THDC की एक्सपर्टीज वही। बैसाखी मेले के दूसरे दिन 3 स्थानों पर मंगेश्वर महादेव, कोपेश्वर महादेव और मंगलेश्वर महादेव के मंदिरों में श्रद्धालु और मेलार्थियों की भारी भीड़ दिखाई दी। वही ब्याही गई महिलाओं और श्रद्धालुओं ने महादेव और अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। पैतृक से जब से हमारे बाप दादा जब से महादेव की स्थापना इस कौप गांव में हुई होगी उसके पूजा अर्धाना करते हैं और विधि पूर्वक पूर्वजों की तरह जैसे पूजा पाठ करना, देवी देवताओं को नचाना, ये हमारी परम पौराणिक परंपरा है। विगत कुछ सालों से कुछ कोविड की वजह से और कुछ ये नए नए मॉडल आज का जमाना मॉडल के जमाने बीच में ये प्रोग्राम थोड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत इधर उधर बिगड़ गया था, लेकिन अब हमारा ऐसा प्रोग्राम बना रखा है कि हम पुराने नए स्तर से अपने ढंग से पुराने स्तर से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेले में आए हम आके हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ क्या बोलते महादेव की पूजा हुई, जो यहाँ से पंथी गए थे नहाने, हम कल उन्हीं के साथ आए, यहाँ पहली बार आए, यहाँ पर आकर के हमें बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने को मिले जिसे देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखे हमने अपनी संस्कृति देखी कि हमारी संस्कृति जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वो कैसी होती है। मैं इस मेले के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो ये संस्कृति है ये जागरूक होनी चाहिए, जो हमारे पीढ़ियों से चल रही, इसको हम हमारे महिला संगीत से लेकर हमारे सारे बुजुर्ग लोग इसको जागरूक रखें और हमें ऐसे ही भगवान की लीला मिले। मैं भगवान मैंने साड़ी चढ़ाई थी, मैंने साड़ी मैंने अपने बच्चों की उस भविष्य के लिए, तो आज मुझे वो मिला जब मैंने भगवान के लिए चढ़ाव करा था, तो वो चीज़ मुझे मिला तो मैं आज साड़ी चढ़ाने आई। मैं चाहती हूँ कि भगवान हमें हमारे पूरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखे। मेरा कहना है जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो लुप्त होने जा रही थी, तो आप लोगों के सहयोग से और पूरी जनता के सहयोग से, हमारे संगठन के सहयोग से हमारा ये कौप का दो गते बैसाखी का जो मेला है वो बहुत भव्य रूप से आगे बढ़ रहा है और हम आगे भी सभी लोगों से यही विनती करेंगे कि आगे हमारा ये मेला पौराणिक संस्कृति ऐसे ही आगे चलाते रहें।
वहीं अलीगढ़ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास कर रहे भगवादारी बाबा को मां ने खोज कर सरेआम पिटाई कर दी। बता दें मां ने बाबा पर आरोप लगाया कि नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बेटी के चिल्लाने पर बाबा भाग निकला। वहीं शनिवार को भगवादारी बाबा को माँ ने मलकान सिंह जिला अस्पताल में पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। महिला का आरोप है कि बाबा ने उसकी 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। तो भगवादारी बाबा का ये रूप जो है वो दिखाई दे रहा है, जहां पर नाबालिग के साथ उसने दुष्कर्म का प्रयास किया लेकिन मां ने उसके सरेआम पिटाई कर दी। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहां पर जो नाबालिग की मां है वो भगवादारी बाबा की किस तरीके से पिटाई कर रही है। अमेठी में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम लड़के ने अपने प्यार के जंजाल में हिंदू लड़की को फंसाकर फरार हो गया। वही फरार परिवार जन ने थाना पहुंचकर पुलिस से शिकायत की कि उनकी लड़की 16 दिन से लापता है। तो लव जिहाद का यह मामला जहां पर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया उसके बाद फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि लड़की 16 दिन से लापता है। थाना अमेठी पे वादी मीना अग्रहरी वाइफ ऑफ राकेश अग्रहरी जो कि रायपुर फुलवारी की निवासी है, इनके द्वारा दिनांक 3/4 को सूचना दी गई कि इनकी पुत्री एक सलमान उस सिज्जू के साथ भाग गई है। शुरुआत में गुमशुदगी दर्ज कर जांच की गई, जांचों उपरांत धारा 366 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता के बरामदगी हेतु टीमें गठित शीघ्र बरामद कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वही एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर और रियान को गैंगस्टर मामले में बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट ने मुनीर को 10 साल की सजा सुनाई है और 1,00,000 का जुर्माना किया गया है। वही उसके साथ ही रियान को 5 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने की सुनाई गई है सजा। वही मुनीर और रियान की भारी सुरक्षा के लिए फोर्स भी तैनात कर दी गई है। गौरतलब है कि मुनीर प्रदेश स्तर का माफिया है, जिसके ऊपर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में लूट हत्याकांड चोरी के 36 मामले दर्ज हैं। वहीं शातिर मुनीर और रियान यूपी के सोनभद्र जिले के जेल में बंद हैं। दो अप्रैल 16 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी, इसमें उनकी पत्नी की भी मौत हुई थी। घटना के अनावरण हुआ था। मुनीर एवं उसके साथी रैयान के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें मुनीर को 10 साल की सजा, 1,00,000 रुपए का जुर्माना, सह अभियुक्त रैयान को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। मुनीर प्रदेश स्तर का आपराधिक माफिया घोषित था, उसकी जेल भी बदल दी गई थी। इस समय वह सोनभद्र के कारागार में है। आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जिससे आम लोगों में एक सकारात्मक एवं अपराधी जगत में एक खौफ का माहौल पैदा हुआ है। 2016 में जी तंजील और उनकी वाइफ की जो एनआईए के डिप्टी इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या हो गई थी, उसमें ये मुनीर नेम्ड थे। और 2016 से ये में है, मुनीर पर 36 केसेस थे, अब 35 केस रह गए हैं। इसमें 10 साल की सजा, 1,00,000 रुपये जुर्माना। कौन सी कोर्ट ने सुनाया है सर? नंबर पर डॉक्टर विजय कुमार ताजियान ईडी। वही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष विधायक मनोज प्रजापति ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें इस दौरान वो सबसे पहले मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा के साथ मौजूद रहेंगे, जिसके बाद त्योत्रा टांडा गांव में पेयजल योजना का निरीक्षण करेंगे।
वहीं कन्नौज के बिजली घर कर्मी की लापरवाही से लाइनमैन हाई वोल्टेज लाइन में चिपक गया। वहीं गंभीर हालत में लाइनमैन को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक स्टेशन इंचार्ज ने खराब लाइन की बजाय दूसरे लाइन का शटडाउन कर दिया था, जिसके बाद ये घटना हुई। वही मेरठ में नए जिला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, बता दें, जिसमें राजस्थान के मूल निवासी आईएएस दीपक मीणा भी शामिल हैं। बता दें, दीपक मीणा आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। वो आईएएस में चयन से पहले टाटा स्टीम में नियुक्त थे। वही डीएम के रूप में मेरठ में उनका तीसरा जनपद बताया जा रहा है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार की प्राथमिकता है सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को लेकर, तो वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, उसी पे सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी राज्य सरकार और भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको धरातल पे लाना और जो एक्चुअल उनके लाभार्थी हैं जिस तक वो पहुँचनी चाहिए उन तक पहुँचाना, वो भी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ पे हमेशा फोकस रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उस पर फोकस अप्रोच करके कार्य किया जाएगा। वही नमामि गंगे योजना के तहत अलकानंद नदी के किनारे यात्रियों और पर्यटकों के लिए बनाए गए घाट खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, बता दें, और घाटों में नदी का मलबा भरा हुआ है। वही यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी इन घाटों का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। वही बरसाती सीजन गुजरने के 6 महीने बाद भी इन घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। एक तरफ योगी सरकार का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा था नमामि गंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से नमामि गंगे खंडहर में तब्दील होता जा रहा। बिल्कुल आपका सही कहना है कि घाटों का जो भरान हो चुका है, क्योंकि हमेशा जब भी बरसात के समय में पूरा चारों ओर जितने भी घाट बने हैं सब में रेता भर जाता है और रेत के साथ साथ गंदगी भी पहुंच जाती है, तो इस विषय में नगर पालिका को हमने भी अवगत करा चुके हैं कि जल्द से जल्द इन घाटों की सफाई की जाए ताकि आने वाले जो यात्री लोग हैं उनको वो घाटों का आनंद ले सकें और गंगा किनारे आराम से बैठकर अपना भजन कीर्तन कर सकें। वही उधम सिंह नगर के किक्षा में एक मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, पुलिस ने दुष्कर्म के बाद करी हत्या के मामले में आरोपी के साथ मां को भी गिरफ्तार किया है। वही किक्षा कोतवाली पुलिस ने 3.5 साल की मासूम की मौत के बाद पीड़िता के पति की तहरीर के आधार पर उसी के साढ़ू की 20 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार किया है और आरोपी युवक की माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि हम सबको अवगत है कि बीते दिन हमारे ज़िले में एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। 14 तारीख को दोपहर को किच्छा थाना के कलकत्ता चौकी क्षेत्रांतर्गत भगपुरा गांव में एक परिवार के पापा द्वारा बताया गया कि उनके 3.5 साल की एक बच्ची है जिनका नाम हम गोपनीय रख रहे हैं, उनके बच्ची जो है सडनली मिसिंग हो गई करके। वो पापा उनके गेहूं काटने गए थे और मम्मी भी कहीं पे खेत में गई थी, तो सडनली मिसिंग हो गया करके। तो तत्काल दोपहर को ही उन्होंने आसपास में ढूंढने के बाद जब मिले नहीं तो उनको पुलिस की समक्ष पेश हुए। तो पुलिस के द्वारा इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, CO साहब तीनों ने लीड लेते हुए प्रायोरिटी पर इसको वर्कआउट करने के लिए तत्काल टीमें गठित करके उसको अलग अलग जगह पर पूछताछ करना और खोजबीन करने की कार्रवाई जब शुरू हुई तो जानकारी में ये आया कि उसी बच्ची की मौसेरा भाई है ये, मिस्टर अजय है, पुत्र सूरजपाल है, वो पुलबट्टा थाना निवासी है, वो भी वहाँ पे दिखे हुए करके जानकारी में आया। तत्काल उसकी पकड़ तकड़ के लिए कोशिश कर फाइनली रात को वो पकड़ में आया। वहीं एटा में शनिजात बड़े मियां के दरगाह के पास पुलिस चौकी के लिए निर्माण की खुदाई के दौरान शनिदेव और हनुमान जी की मूर्ति मिली। वहीं मूर्ति मिलने पर स्थानीय विधायक संजीव दिवाकर और क्षेत्र के ग्राम प्रधान ने वहीं पास में ही मूर्तियों को स्थापित किया, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज से वहां पूजा की गई।
वहीं सिद्धार्थनगर पुलिस ने 102 गुमशुदा मोबाइलों को बरामद कर उनकी वास्तविक मालिकों को सौंप दिया है। बता दें कि बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत लगभग 12 लाख बताई जा रही है। वहीं जिले के 102 लोगों को उनकी गुमशुदगी वाली मोबाइल मिलने से उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में सर्विलांस की टीम ने मोबाइल बरामद किए हैं। लगभग 102 मोबाइल हैं जिनकी कीमत मार्केट में 10 से 12 लाख रुपया है। और ये विभिन्न लोग हैं जो अपने जनपद सिद्धार्थनगर के हैं और गैर जनपद के भी रहने वाले हैं, जिनके मोबाइल गुम हो गए थे, खो गए थे या कहीं ट्रैवल करते टाइम गिर गए थे। इस तरीके के मोबाइल को पुलिस ने सर्विलांस पर लेके उनका IMEI नंबर रन करा के बरामद किए हैं और सर्विलांस की टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत की है, इसलिए उन्हें 10,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। क्या इसमें चोरी के मोबाइल हैं? इसमें चोरी के नहीं हैं, जो शिकायतें हैं गुम होने की थी, खो जाने की या गिर जाने की, इस तरीके के जो मोबाइल थे वो बरामद पुलिस ने किए। तो चलिए, खबरों पे फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।